आज बनाएंगे हम काबुली पुलाव की रेसिपी, या आप इसे अफगानी पुलाव भी कह सकते हैं। सिंपल इजी रेसिपी है पर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसके लिए एक बर्तन में पहले हम डाल लेते हैं 3 बड़े चम्मच घी का, और अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप किशमिश। अगर आपको किशमिश को नर्म रखना है तो आप इसे 15 से 20 मिनट भिगाने के बाद डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे बस 1.5 चम्मच चीनी। चीनी डालने से हल्की सी मिठास आ जाएगी और जो भी चीजें हम इसमें फ्राई करेंगे उसमें काफी अच्छी चमक आ जाएगी। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई कर लेते हैं, सारा घी ड्रेन कर लेंगे और इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। अब डालते हैं 1/2 कप बादाम। ये भिगोकर छिले हुए बादाम है, इसे भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद घी ड्रेन करके इसे भी निकाल लेते हैं एक बोल में। अब डालना है हमें गाजर। गाजर की जूलियन से लंबे इस तरह से हमने गाजर को काट लिया था। गाजर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये सॉफ्ट न हो जाए। इसे फ्राई करने में हमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। अच्छा सा कलर आ गया है गाजर में और काफी चमकीले भी हो गए हैं गाजर, इसे भी ड्रेन करके अब हम निकाल लेते हैं। अब तेल डाल लेंगे इसी में 1/2 कप। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देते हैं चिकन। 1 किलो चिकन है ये। हाई फ्लेम करके चिकन को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन में तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसे हमें ढककर नहीं फ्राई करना है, अगर आप ढककर फ्राई करेंगे तो चिकन का काफी पानी छूट जाएगा। चिकन में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 2 चम्मच। 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे। वैसे अफगानी पुलाव में मिर्च नहीं पड़ती है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर से हम इसे फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, ये 1/2 कप टमाटर का पेस्ट है। तली हुई प्याज डाल देते हैं 1/2 कप। और अब हमें एक खुशबूदार मसाला बनाना है इसके लिए, तो 5 से 6 हरी इलायची लेंगे, 2 बड़ी काली इलायची डालते हैं, शाही जीरा ले लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच ले लेते हैं जीरा। अब इसे हम दरदरा सा पीस लेते हैं और इस मसाले को डाल लेते हैं। थोड़ा सा मसाला हम बचा लेते हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं और इस मसाले को हमें भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देते हैं 1.5 कप पानी। पानी डालने के बाद हमें चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है ढककर। ढक्कन को हटा लेते हैं और अब इसमें से चिकन के पीसेस हम निकाल लेंगे। सारे चिकन के पीसेस हम निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल देना है पानी 5 से 6 कप। जैसे ही इसमें बॉईल आ जाए हम इसमें डाल देते हैं 750 ग्राम भीगे हुए चावल। आधे घंटे के लिए हमने इसे भिगो लिया था, इसे आप वॉश कर लीजिए, ड्रेन कर लीजिए और फिर इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच नमक डाल देना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हमें एकदम लो फ्लेम पर ढककर पकाना है बस 10 से 15 मिनट के लिए। ढक्कन को हटा लेते हैं, चावल अच्छी तरह से पक गया है और अब इसमें हम हमारा बचा हुआ खुशबूदार मसाला डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल अच्छी तरह से पक गए हैं, लेवल कर लेते हैं चावल को और अब इसमें हमें डाल देना है चिकन जो हमने निकाला हुआ है। एक साइड चिकन डाल देते हैं, गाजर और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देते हैं। और जब भी आपको इसे सर्व करना है तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स और गाजर आपको मिक्स कर लेना है, चिकन लेना है और आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आया है। इस पुलाव में चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि हम चावल के साथ इसे नहीं पकाते हैं, ये जरा भी फीका नहीं पड़ता है, काफी टेस्टी लगता है। तो ये बढ़िया से पुलाव जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।